हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी एग्रीमेंट्स थे उनको कंप्लीट किया। एंड आज हम इस सेशन करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि जो पोलर आइस्ड है, इट मीन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनको फेवर करती है, और कुछ कहते हैं इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ही कंज्यूमर को, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को बहुत बेनिफिट मिला है। तो आज हम देखेंगे कि इसके क्या क्रिटिसिज्म है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले करते हैं हम क्रिटिसिज्म्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल क्लोज है, बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी किस सभी मेंबर्स मोस्ट फेवर नेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम किसी एक कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं, उनको मोस्ट फेवर का स्टेटस दे रहे हैं, तो हमको सभी को देना होगा। इट मींस क्या हो गया, सभी की सभी कंट्रीज इक्वल होगी। तो इसका मीनिंग यही बनता है कि जो लोकल कंपनीज हैं, अगर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में लोकल कंपनीज को बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं इनके साथ कंपीट करना होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको डायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोकल कंपनीज कंपीट कर रही हैं विद एमएनसीज, जिससे उनकी जो रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन पोटेंशियल है, वो कम हो जाती है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन गया। जो इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट है, वो क्रिटिसिज्म के पॉइंट मेनली इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जे डेवलपिंग कंट्रीज के अंगेंस्ट हैं और डेवलप कंट्रीज को फेवर करती हैं। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ही इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। और नंबर टू, मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ये भी मार्केट बेस्ड हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको सब्सिडी नहीं दे सकती, इसकी अपर लिमिट तय कर दी। इसकी अपर लिमिट कितनी है, 10%। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी नहीं दे सकते तो उसको डेवलप कंट्री के साथ कंपीट करना है, और वो भी मार्केट रेट पर। तो इसका बेनिफिट डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं होता क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, और उनके पास अच्छी अच्छी टेक्निक्स नहीं होती हैं। वो लार्ज कंपनीज हैं, लार्ज इकोनॉमीज हैं, उनको इनका बेनिफिट मिलता है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं। एंड इसके साथ क्या होता है, उनको जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है कम पड़ती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज, जे आज के टाइम में कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, जिस वजह से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज है जिनके एडवांटेज ले रही है। एंड नंबर थ्री, रिडक्शन इन सब्सिडीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, जो आप अपने कंट्रीज में एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडीज दे रहे हो, इन सब्सिडीज को रिड्यूस करना है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री में इकोनॉमीज हैं वो अपनी सब्सिडी को कम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर बैरियर्स हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं, इन गवर्नमेंट्स को अपनी इकोनॉमी में सब्सिडी देने की जरूरत है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन सब्सिडीज टू प्रमोट फूड सिक्योरिटी और टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। अगर एक कंट्री अपनी इकोनॉमी में सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी किस पर्पस के लिए दे रही है, अपनी कंट्री में फूड को सिक्योर करने के लिए दे रही है या एक्सपोर्ट करने के लिए कह रही है। तो अगर हम फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका बेनिफिट है, इसका बेनिफिट क्या है, हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे इन फूड ग्रेन्स। अगर हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका नुकसान है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन
टू टाइप्स की सब्सिडी में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, वो सिंपल जी ही कहते हैं। जो सब्सिडीज है जी ओनली 10% तक ही अलाउड है ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी आप प्रोडक्शन करते हो उसका 10% ही आप सब्सिडी दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी पर सब्सिडी देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस सेल्फ रिलायंस नहीं होते हैं और इनमें पॉपुलेशन की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से अपनी पॉपुलेशन को फूड देने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है। एंड नंबर फोर्थ, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है? अगर हम अपने फूड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हमें पता है कि जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो मेनली किस क्रॉप में प्रोडक्शन करते हैं, प्राइमरी क्रॉप्स मींस जे फूड ग्रेन्स को, वीट को, राइस को ये प्रोड्यूस करते हैं, अगर इनको अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है डाइवर्सिफाई करनी है, डाइवर्सिफाई मीन अगर इन्होंने जे पैटर्न चेंज करना है फ्रॉम एग्रीकल्चर प्राइमरी मार्केट टू फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट, तो इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। लेकिन जी कहते हैं हम प्रोटेक्शन सब्सिडी नहीं देंगे, तो डिवर्सिफिकेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी अगर क्रॉप को डिवर्सिफाई करना है। जी तो सभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स में ही प्रोडक्शन करती हैं, अगर हम चाहते हैं इनकी इनकम इंक्रीज हो, क्योंकि आज के टाइम में जो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर है, डेयरी मिल्क है, इन सब प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिवर्सिफाई करने के लिए हर एक सरकार को अपनी कंट्री में सब्सिडी की, प्रोटेक्शन की जरूरत है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो अलाउ नहीं कर रहा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड बेनिफिट्स आर इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज है इनको ही फेवर करते हैं, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनमें स्किल डेवलपमेंट करनी है। अगर हम स्टार्टिंग में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, इंडस्ट्री सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर में भी, क्योंकि इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं, इनको प्रोटेक्शन हर एक इकोनॉमी देता है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्टार्टिंग में अपनी इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देती, तो आज के टाइम में डेवलप्ड कंट्रीज यही चाहती है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज प्रोटेक्शन ना दे, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन के अंगेंस्ट है। तो मीनिंग क्या हुआ कि जो काम उन्होंने पहले किया था डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रोटेक्शन दी थी, अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप करने के लिए प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो आज वो गलत हो गया। इसीलिए फ्री ट्रेड का जो बेनिफिट है वो डेवलप्ड कंट्रीज ले जाते हैं। इसीलिए है जुन चांग इन्होंने क्या कहा है, डेवलपिंग कंट्रीज आर पुलिंग अवे द लैडर व्हिच दे यूज्ड देमसेल्फ टू क्लाइंब अप। इट मींस क्या हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने पहले प्रोटेक्शन दी थी आज उन्होंने वो ही क्रॉस को खत्म कर लिया, इसीलिए तो कहते हैं पुलिंग अवे द लैडर, उन्होंने वो ही लैडर खींच ली जो उन्होंने पहले खुद यूज की थी, तो डेवलपिंग कंट्रीज को इसका नुकसान मिल रहा है। नेक्स्ट इज आर्गुमेंट अगेंस्ट ट्रिम्स। ट्रिम्स का क्या है, ट्रिम्स में ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स आती हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या कहा गया कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दोनों को इक्वल ट्रीट करेगी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो लोकल इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, इनको एमएनसी के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। एमएनसी हैं इनकी रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये क्या करती हैं, एमएनसी जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं इन एरियाज को कंट्रोल कर लेती हैं। और जो ट्रिम्स हैं, अगर एक कंट्री ने ट्रिम्स को साइन कर लिया तो इसके बाद उस सरकार की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाती है, जो एमएनसी चाहते हैं वो ही करना पड़ता है। तो इट मींस क्या हो गया कि डेवलपिंग कंट्रीज की ऑटोनॉमी है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है, इनको भी ट्रिम्स एक थ्रेट है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट इज आर्गुमेंट अगेंस्ट ट्रिप्स। ट्रिप्स के अगेंस्ट भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी गई है। अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें, जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर
बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसके बाद इनको बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन्होंने अभी रिसर्च डेवलपमेंट पर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना इनकी इतनी ज्यादा कॉन्टेक्चुअल है, तो सभी के सभी इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो जो डिवेल्प कंट्रीज है वो ही ऑक्यूपाई कर लेती है। अगर हम आज के टाइम में COVID-19 की वैक्सीन की बात करें, वो भी किनके पास है, जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थी और उन पर पेटेंट की बात कर रहे थे। अगर इनको पेटेंट मिल जाता है तो इसका नुकसान किसको होगा? डेवलपिंग कंट्रीज को, जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनको ही वो वैक्सीन परचेज करनी पड़ेगी जो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। इसीलिए ट्रिप्स के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट है, जो कहते हैं एमएनसीज हैं एंड डेवलप कंट्रीज हैं, इनकी रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा करती हैं और जे ही पेटेंट है, इंडस्ट्रियल पेटेंट को जे ऑक्यूपाई कर लेती हैं। एंड लास्ट वन इज फ्री ट्रेड इग्नोर्स कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। जितने भी कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स है डेवलपिंग कंट्रीज के, इनको जे इग्नोर करती है, क्योंकि एमएनसीज जिस कंट्री में जाती हैं वो डेवलपिंग कंट्री होती हैं चाहे अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं, तो उनके कल्चर को जो पूरी तरह नुकसान पहुंच जाती हैं। और इसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, लोकल इंडस्ट्रीज को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाती है। जो उनके कल्चरल को रिप्रेजेंट करने वाली फॉर्म्स हैं वो आज के टाइम में डिवोर्स्टेड होती जा रही हैं, तो जिसका नुकसान है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जी कहती हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज के फेवर में है एंड अंडर डेवलप कंट्रीज के अगेंस्ट है। लेकिन इतनी क्रिटिसिज्म होने के बाद भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट वन इज लोअर प्राइस फॉर कंज्यूमर। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से हर एक कंज्यूमर को बेनिफिट मिला है, क्योंकि फ्री ट्रेड की वजह से ट्रेड बैरियर्स कम हो गए हैं। अगर ट्रेड बैरियर्स कम हो गए, कस्टम ड्यूटी रिड्यूस होगी, कस्टम ड्यूटी की रिड्यूस होने से जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो कम हो गए। अगर आप अपने आप को कंपेयर करें आज से 20-30 इयर्स पहले, तो पहले हर एक पर्सन के पास इतने ज्यादा कंज्यूमर गुड्स नहीं होती थी जितने आज अवेलेबल है, और उनके प्राइसेस भी बहुत कम है। इट मीन्स क्या है, कंज्यूमर की सॉवरेंटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो पहले जो हमारी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस होती थी, हमको वही कंज्यूम करनी पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में हम बहुत ही रीजनेबल रेट पर बाहर से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इससे जो कंज्यूमर की सॉवरेंटी है वो इंक्रीज होती है, वो अपनी चॉइस से कोई भी गुड कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट क्या हो गई है, अब सस्ती हो चुकी है। नंबर टू, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो चुका है। पहले क्या था, अगर हमारी इकोनॉमी में एक ही फर्म होती थी, वो ही फर्म की मोनोपोली होती थी, हम उसी से गुड्स को परचेज करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो डोमेस्टिक मोनोपोली है वो भी कंपटीशन फेस करती है विद फॉरेन कंपनीज। जो फॉरेन कंपनीज है, एमएनसीज है, उनके साथ उनकी क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, इसीलिए क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो पहले मोनोपोली थी, मोनोपोली तो हमेशा ही कंज्यूमर के अगेंस्ट होती है, तो आज के टाइम में मोनोपोली खत्म हो चुकी है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो चुका है, जिस वजह से कंज्यूमर को कम प्राइस पे करनी पड़ती है, क्वालिटी होती है और उसकी चॉइसेस है वो भी बहुत ज्यादा लार्ज हो चुकी है। एंड नेक्स्ट वन इज लो ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि एक इकोनॉमी जिसको एक गुड्स प्रोड्यूस करने में बहुत कम कॉस्ट आती है, अगर मैं उसके लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करूंगी, तो उस प्रोडक्शन को करने से मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ, और इसके बदले जो गुड मुझे बहुत कॉस्टली पड़ती है उस गुड को मैं इंपोर्ट करा लेती हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हम ट्रेड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इससे क्या होता है, कंट्रीज होती हैं वो स्पेशलाइज होती हैं इन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर दे हैव लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिस वजह से हर एक इकोनॉमी का एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है और उसको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलते हैं, उससे उनका ट्रेड है वो भी इनलार्ज होता है। एंड नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड। एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड का मीनिंग क्या है,
जब हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पर करें, हम लार्ज क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने देश में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इससे क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। जैसे हम कन्वेंशनल कॉस्ट अपनाते हैं तो एवरेज कॉस्ट यू शेप होती है। अगर हम अपनी कंट्री में कम प्रोडक्शन करें तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा लार्ज होगी। अगर हम क्वांटिटी इंक्रीज कर दें, अगर इसको मिनिमम पॉइंट तक प्रोड्यूस करें तो क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई, इसके साथ साथ कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, जिसका बेनिफिट सभी इकोनॉमिक्स को मिलता है। तो ये हो जाती है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, स्केल को इंक्रीज करने से प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो जो ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, इस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट सभी इकोनॉमिक्स को मिलता है। तो लार्ज क्वांटिटी एक्सपोर्ट होगी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये भी खत्म होगी। नेक्स्ट इज एग्जम्पशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा ब्लेम करती हैं कि ये डेवलप कंट्रीज की फेवर में है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनमें डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जम्प्ट किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज देनी है तो सब्सिडीज के लिए इनको एग्जम्प्ट कर दिया, तो इसमें बहुत सारे बॉक्स बना दिए और इन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए डेवलपमेंट बॉक्स बना रहा है, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको टोटली एग्जम्पशन दे दी कि अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो इसके अंडर आप अपनी इकोनॉमी में जितनी चाहे उतनी सब्सिडी दे सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा एग्जम्पशन दे रखे हैं, जिससे ये क्या कर सकते हैं, सब्सिडीज भी दे सकते हैं एंड अपने इंपोर्ट को लिमिट भी लगा सकते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज कस्टम ड्यूटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये सब एडवांटेज डेवलप कंट्रीज को नहीं है, जो सिर्फ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज को एडवांटेज मिले हैं। लास्ट इज इन टर्म ऑफ ग्रोथ, हमको लगता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब फ्री ट्रेड करते हैं तो इसका किसी को एडवांटेज नहीं है, बट एक्चुअल में ये फ्री ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे ही हमारा बेनिफिट है, हमारी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो हमने इसके क्रिटिसिज्म के इम्पोर्टेंस की, तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सक्सेसफुल है या नहीं है, कि हमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है हमको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो हम यही कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फेलियर से ज्यादा सक्सेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इसकी सक्सेस के रूप में कंक्लूड करते हैं। तो आज के टाइम में 164 मेंबर्स हैं वो इसके ग्रुप में इंक्लूड हैं, जो 98.5% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा 20 कंट्रीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहती हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फोरम है जिसमें जो भी कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं इनको सॉल्व करते हैं, और इसका जो ग्लोबल रिसेशन है इस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की बात करें तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद ट्रेड वॉर स्टार्ट होगी, जिसमें कस्टम ड्यूटीज ज्यादा होगी, लेकिन 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था तो पूरे वर्ल्ड पर इसका बहुत कम इफेक्ट पड़ा था, इसीलिए ट्रेड वॉर है अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें अब ग्लोबल रिसेशन का कम इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे सस्टेनेबल ट्रेड डेवलपमेंट को इनकरेज करती है, जी इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, एंड हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इन सबको खत्म करके पूरे ग्लोब को एक विलेज बनाना चाहती है जिससे हर एक को एडवांटेज हो। तो आज हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्रिटिकल अप्रेजल के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।